दोस्तों आप सभी को नमस्कार। ICC T20I वर्ल्ड कप 2024 से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। डीडी फ्रीडिस उपभोक्ताओं के लिए दोस्तों अच्छी खबर ये है कि ICC T20I वर्ल्ड कप 2024 का सीधा प्रसारण डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। ऑफिशियली डीडी स्पोर्ट्स के ट्विटर हैंडल पर ये बताया गया है और वहाँ पर दोस्तों जो डेट दिया गया है, जब आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डीडी फ्रीडिस के देखेंगे या फिर डीडी स्पोर्ट्स के देखेंगे, जो मेंशन किया गया डेट वहाँ दोस्तों 5 जून 2024 लिखा है। जैसा कि आप अभी इमेज देख सकते हैं दोस्तों, इस इमेज में तस्वीर में साफ साफ डेट भी मेंशन किया गया है, वो है 5 जून। जबकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2 जून 2024 से ही ICC T20I वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों 5 जून 2024 को इंडियन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच खेलने जा रही है इस वर्ल्ड कप का। तो जब भारतीय टीम खेलेगी दोस्तों, जब इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस होंगे, तब सीधा प्रसारण डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यहाँ आपको एक बात और बताते चलें कि ये पेड DTH प्लेटफॉर्म पर डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से मैचेस आप नहीं देख पाइएगा, क्योंकि इस ट्वीट में साफ साफ मेंशन है, डीडी स्पोर्ट्स और ब्रैकेट में डीडी फ्रीडिस लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर सीधा प्रसारण तो होगा, लेकिन केवल डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म के लिए। अन्य पेड DTH प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास, और स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनल्स पर इस मैचेस का प्रसारण होगा। तो दोस्तों जो पेड DTH प्लेटफॉर्म है स्टार स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से, तो लगभग आप सभी मैचेस देख पाएंगे, जबकि DD फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अभी की जो अपडेट वो यही है कि 5 जून जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलना शुरू करेगी ICC T20I वर्ल्ड कप 2024, उसी दिन से प्रसारण शुरू होगा। अब दोस्तों कौन कौन से मैचेस का प्रसारण होने जा रहा है, इसकी जैसे ही कोई अपडेट निकल करके आती है वो भी आपको ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच का भी प्रसारण डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म के DD स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से किया जाएगा। जल्द ही अपडेट इसकी ट्विटर के माध्यम से प्रसार भारती या फिर यूँ पहले DD स्पोर्ट्स चैनल पर जरूर उपलब्ध कराया जाएगा प्रसार भारती के द्वारा, क्योंकि दोस्तों पहले भी हमने ऐसा होते हुए देखा है कि जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं उसमें सेलेक्ट मैचेस ही DD फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर आते हैं जब इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।